अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फाइका है, मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। मेरी मम्मा मुफ्ती साहब की मुरीद है और वो एवरी वीकेंड उनका प्रोग्राम देखती हैं। मैं इतने ज्यादा प्रोग्राम नहीं देखती क्योंकि मुझे उर्दू इतनी समझ नहीं आती क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मम्मा ने कहा कि मैं उनके साथ आपका प्रोग्राम देखूँ, तो मैंने देखना शुरू किया तो मुझे उर्दू समझ भी आया। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे इस्लाम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ और अपनी पत्नी के साथ भी शेयर किया। वो हमेशा मुझसे पूछती हैं कि मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देखना। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और उसमें हमें बहुत ज़्यादा मैथ के सवाल करने होते हैं, मैथ कैलकुलेशन और फार्मूलाज। लेकिन मेरी मैथ इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मेरी मैथ इम्प्रूव हो और मेरे लिए याद करना भी आसान हो जाए, जो भी मैं पढ़ूँ मुझे जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा। बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, माशा इंग्लैंड से आपने कॉल की है और इतने इजहारे मोहब्बत किया, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए और आपने मोहब्बत से प्रोग्राम हमारा देखना शुरू किया जैसे कि आपकी अम्मी ने एडवाइस किया और आपको उर्दू समझ में आने लगी, और यकीनन इंशाल्लाह मोहब्बत से जो भी देखता है उसके प्रोग्राम समझ में आने लगता है। यहाँ अमेरिका में बहुत से टीनेज बच्चे हैं अम्मी अबू के साथ देखने लग गए हैं तो आज उनको उर्दू मेरी समझ में आने लग गई। ये तो अल्लाह समझाते हैं, ये ज़बानें अल्लाह ने पैदा की हैं, और कुरान में अल्लाह ने कहा कि ज़बानें अल्लाह ने पैदा की और वही समझाते हैं, तो माशाल्लाह उनको समझ में आने लग गया और आज उनको मज़ा आता है, वो फिर अपनी ज़बान में फिर अपने जो है दोस्तों के अंदर उसको शेयर करते हैं जैसे आप शेयर करती हैं और आपकी दोस्तें इंप्रेस होती हैं। तो भाई यही मकसद हमारा है कि किसी भी तरीके से पैगाम आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेन असल चीज़ तो नॉलेज है, लैंग्वेज असल नहीं, असल चीज़ नॉलेज है। नॉलेज आपको पास हो जाए, अब लैंग्वेज तो कोई भी लैंग्वेज है, अब उसमें उसको ट्रांसफ़र करके आगे अपना मैसेज पहुँचाएँ। इसलिए मैं अपनी ज़बान में बस नॉलेज फैला रहा हूँ और जो जिस ज़बान में समझ के आगे फैलाना शुरू कर दे तो नॉलेज फैलता चला जाएगा और लोगों को मंजिलें मिलेंगी इंशाल्लाह। बाकी सवाल तुमने बहुत खूबसूरत किया है और बाकी हर स्टूडेंट को ख़ास तौर पे आप जैसे बता रही हैं कि आपको मैथ जो आपका अच्छा है लेकिन मज़ीद आप चाहती हैं, उसके लिए वो दुआ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाई और वो इसीलिए बतलाई थी ताकि बात की गहराई तक पहुँच जाएँ, कोई भी बात सुने, कोई इल्म की बात अल्लाह की तरफ से आए, कोई चीज़ कोई सिचुएशन सामने आए तो फौरन उसके हकायक तक पहुंच जाना और ऐसी समझ आता हो जाए कि इंसान उस असल नतीजे तक पहुंच जाए, तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये दुआ बताई और वो दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई कि आप ये दुआ पढ़ें, और वो दुआ कि जो मैं और आप सब जानते हैं बड़ी मारूफ दुआ है, और वह रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये असल में ये इजाफा उस समझ का इजाफा मांगा है कि वो एक ऐसे समझ का इजाफा पैदा हो जाए कि कोई भी चीज़ आई सामने, कोई सिचुएशन सामने आई, फौर उसके असल हकीकत तक पहुंच जाए कि यार असल इसकी है, और सती चीज़ों से इम्प्रेस हुए बगैर इंसान नतीजे पर पहुंच जाता है, ऐसी समझ अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के बरकत से दे देते हैं। लिहाजा ये रब्बी ज़िदनी इल्मा, लोग तो वैसे इल्म के लिए पढ़ लेते हैं एक दो दफ़ा, नहीं, इसका 125 दफ़ा का विर्द करें आप, 125 टाइम जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो जितने भी स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, पढ़ने पढ़ाने का जिनका काम या दिमागी काम है तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। साइंटिस्ट हैं ख़ास तौर पे, अब साइंटिस्ट जो है मुख्तलिफ जो है वो करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और चाहते हैं कोई रिज़ल्ट सामने आए, और कैसे रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। तो 125 बार था ये पढ़ें, अव्वला की 11 मरत दूद इब्राहिमी, और पढ़ के जो अपने सीने पे दम करें, थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी लें, या थोड़ा सा आधी चम्मच शहद पे दम करके शहद चाट लें, ये 90 डेज़ की नियत से शुरू करें, बड़ी जब तासीर होगी आपकी इंशाल्लाह, जो है सीना खुलेगा, शरह सदर होगा और आपके लिए सारे जो है आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत, माशाल्लाह।